जबकि शंकर जी आए थे 3 मिनट 15 सेकंड लगाए हैं 14 सेकंड, तो हम आज 2 मिनट 14-15 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे चैलेंज को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सामने प्लेट में लोबिया की मसालेदार सब्जी और चावल लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, लोबिया की सब्जी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लोबिया की सब्जी के साथ में लगा हुआ चावल, तो आज हमारा लोबिया की सब्जी चावल ईटिंग चैलेंज है। और इस चैलेंज में 3 चैलेंजर आने वाले हैं। देखते हैं तीनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन जो है 1000 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ लोबिया की सब्जी और चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस चैलेंज में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 चैलेंजर आने वाले हैं। और जो चैलेंजर आने वाले हैं, एक दूसरे का टारगेट तोड़ने वाले हैं और टारगेट तोड़ने के बाद ही इनाम लेकर जाने वाले हैं। तो देखना है कि इसमें सबसे पहले किसका नंबर लग रहा है। पवन जी, सबसे पहले शंकर जी का नंबर आया है। देखते हैं शंकर जी जो टारगेट देंगे, उस टारगेट को राजू जी और धर्मेंद्र जी तोड़ पाते हैं या नहीं। और इस चैलेंज में जो भी चैलेंजर फर्स्ट आएगा उसको 1000 का इनाम मिलेगा, और जो चैलेंजर लास्ट और सेकंड आएगा वो सिर्फ लोबिया की सब्जी और चावल का आनंद लेकर के जाएगा। देर न करते हुए शंकर के लिए टाइमर को हौंक दीजिए, शुरू हो जाए। और यहाँ पर शंकर के लिए टाइमर की बटन ठोक दी गई है और शंकर भी पूरी तरह से जुट चुके हैं। और शंकर जी पहले शुरुआत किए हैं सुसा से, कह रहे हैं मतलब लोबिया की सब्जी गर्म है, गर्मा गर्म है, तो भैया उसको नरम करना पड़ेगा, तभी जो है इनाम की राशि ले जा पाएंगे, नहीं तो लोबिया की सब्जी और चावल का आनंद लेकर के जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और देखते हैं जो टारगेट देते हैं उस टारगेट को धर्मेंद्र जी और राजू जी पकड़ पाते हैं या फिर वो भी लोबिया की सब्जी और चावल का ही आनंद लेकर के जाते हैं। और शंकर जी जब से टाइमर स्टार्ट हुआ है आज फॉर्म में है, तो देखते हैं इस फॉर्म का कितना फायदा उठाते हैं और कितना समय का टारगेट देंगे। और हमको लग रहा है 3 मिनट से पहले तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे जिस हिसाब से खा रहे हैं, क्योंकि लोबिया की सब्जी है, दाल नहीं है, दाल होती तो फटाफट उड़ाते। और जिस हिसाब से शंकर बाइट मार रहे हैं, फिर भी काफी हद तक बहुत अच्छी बाइट ले रहे हैं और टारगेट भी ये बहुत अच्छा देने वाले हैं ऐसा लग रहा है। तो देखना है कि इनके टारगेट को क्या राजू या धर्मेंद्र तोड़ पाते हैं या शंकर ही इनाम की राशि लेकर जाते हैं। और देखते हैं राजू जी इस चैलेंज को कंप्लीट करने में कितना समय लगाते हैं और धर्मेंद्र जी कितना समय लगाते हैं, क्या दोनों चैलेंजर उस समय को पकड़ पाते हैं जो मैं जो है शंकर जी देते हैं। और लोबिया की सब्जी मसालेदार बनी हुई है, लेकिन ज्यादा मसाला नहीं, लाइट मसाले के साथ बनी हुई है। और लाइट मसाले के साथ जब लोबिया की सब्जी बनती है तो काफी लजीज बनती है और काफी फायदेमंद भी होती है लोबिया की सब्जी। और उस फायदे का फायदा उठा पाते हैं, देखते हैं शंकर जी या फिर राजू जी के साथ में धर्मेंद्र जी आने वाले हैं। और धर्मेंद्र जी जब भी आते हैं बिल्कुल तगड़े फॉर्म में आते हैं, तो देखते हैं आज उस फॉर्म का फायदा उठा पाते हैं या नहीं। बहुत गजब। और देखते ही देखते 1 मिनट 40 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और अभी भी शंकर पूरी तरह से बाइट पे बाइट मारते चले जा रहे हैं। तो देखना है कि शंकर कितना मिनट कितना सेकंड लगाते हैं इस थाली को खाली करने में। जैसे कि 3 मिनट से पहले तो नहीं खाली कर पाएंगे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, नहीं 3 मिनट लगा भी सकते हैं, 3 मिनट नहीं भी लगा सकते हैं, वो तो इनके और ग्रीन और चुस्ती के ऊपर साथ चल रहा है इनके साथ में। और आज फटाफट ग्रीन लाइट मिल रही है इनको, तो देखते हैं उस ग्रीन लाइट का कितना फायदा उठाते हैं, क्या बाजी मार पाते हैं या फिर इनकी ग्रीन लाइट का फायदा उठा करके राजू जी या धर्मेंद्र जी बाजी मार जाते हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते पूरा का पूरा जो चावल है पूरी तरह से बाइट बना लिए हैं और आ गए हैं अपने अंदाज में। और इसी अंदाज के लिए शंकर जी जाने जाते हैं, जब अपने अंदाज में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे चैलेंजर पानी पीने लगते हैं और शंकर जी पानी की जरूरत नहीं पड़ती फिर। बहुत गजब। और बहुत ही गजब, बहुत ही गजब अंदाज में बाइट, कौवा बाइट उठा रहे हैं। और जो बाइट का नजारा दिखा रहे हैं वास्तव में बहुत गजब चभकौवा बाइट है। और देखते ही देखते इनके थाली से चावल भी बहुत तेजी से भागता नजर आया है। और पवन जी ने जो कहा तो था क्रॉस कर ही जाएंगे कि 3 मिनट लगने वाला है, तो हो सकता है कि 3 मिनट के ऊपर भी चले जाएंगे। 50 सेकंड के ऊपर टाइमर गया है, 2 मिनट 50 सेकंड के ऊपर टाइमर गया है। और देखते ही देखते शंकर की बाइट भी बहुत तेजी से भागती नजर आई है और इस बाइट को राजू देखकर एकदम हड़बड़ा से गए हैं। और हड़बड़ा गए हैं तो गड़बड़ा नहीं जाएंगे, अगर गड़बड़ाएंगे तो फिर इनाम की राशि से भी गड़बड़ा जाएंगे। बहुत बढ़िया। और धैर्य के साथ राजू जी को साहस के साथ लड़ना होगा शंकर जी से। बहुत 3 मिनट 14 सेकंड, जैसे कि आप लोग अभी देखे शंकर 3 मिनट 14 सेकंड का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट दिए हैं। तो देखना है कि इस टारगेट को राजू तोड़ पाते हैं नहीं। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए और टाइमर चालू होते ही राजू पूरी तरह से बाइट लेने में जुट गए हैं। और जुट गए हैं तो सोच रहे हैं कि कुछ देखेंगे नहीं, आज बाइट को जवाब बाइट से देंगे, क्योंकि शंकर जी आए थे 3 मिनट 15 सेकंड लगाए हैं 14 सेकंड, तो हम आज 2 मिनट 14-15 सेकंड के अंदर
उड़ा देंगे चैलेंज को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। और देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस में कितना आगे जाते हैं। और धर्मेंद्र जी देख रहे हैं कौन सी हिसाब से कौन से तरीके से खा रहे हैं और उस तरीके को देखते हैं अपना पाते हैं या फिर लोबिया की सब्जी और चावल का आनंद लेकर जाते हैं। और राजू जी आ गए हैं अपने अंदाज में, देखते हैं आज उस अंदाज को कितना दिखा पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और जिस हिसाब से बाइट दे रहे हैं, सेकंड में आधा चावल और लोबिया की सब्जी गायब कर दिए। देखते हैं हमको लग रहा है कि 100% आज विन कर जाएंगे जिस हिसाब से लक चल रहे हैं, और शंकर जी को 80% पीछे कर देंगे। और जिस हिसाब से चल रहे हैं बाइट भी बहुत अच्छी ले रहे हैं, कंटिन्यूटी वाली बाइट लगा दिए हैं राजू। मात्र 52 सेकंड हुआ है और आधा चावल पूरी तरह से समाप्ति की ओर भागने लगा है। तो देखना है कि राजू क्या कमाल करते हैं, क्या शंकर के टारगेट को तोड़कर नया टारगेट देते हैं या फिर शंकर के टारगेट के नीचे ही रहते हैं। और इसी तरह से अगर साहस लगाएंगे तो 100% विन कर जाएंगे, क्योंकि गजब बहुत अच्छे समय से चल रहे हैं। और 1:08 हुआ है अभी, और ऐसा लग रहा है कि आज 100% आज झंडा गाड़ देंगे अपना ईडाम वाला। और 1,000 रुपए राजू जी लेकर के जाएंगे, और पानी पीने में ज्यादा समय लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है। बात गजब, पानी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हमको नहीं लग रहा शंकर जी को पीछे कर पाएंगे। 1.5 मिनट यानी 1:30 हुआ है और लगभग लगभग काफी हद तक का चावल भाग गया। 3:14 का जो टारगेट शंकर जी है, 70% आइटम खत्म हो गया, 30% आइटम बचा हुआ है। आधे समय में देखते हैं 30% आइटम को कितना गायब करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या राजू जी विनिंग अमाउंट के अंदर आ जा पाते हैं या फिर धर्मेंद्र जी बाजी मार जाते हैं। बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र जी के लिए लास्ट में उतारा गया है क्योंकि इनको पता रहना चाहिए टारगेट मैक्सिमम क्या है। हाँ, और कभी धर्मेंद्र लगभग 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 जितने चैलेंज में आए हैं जीत कर भी गए हैं। हाँ, काफी हद तक का अपना प्लान बना के आते हैं कि हमें जीतना है तो जीतना है। तो देखना है कि आज शंकर के टारगेट को तोड़ पाते हैं कि नहीं। और राजू देखते ही देखते 3 मिनट राजू जी 100% आज शंकर जी के टारगेट को तोड़ देंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं। और इसी तरह से अगर तोड़ देंगे तो शंकर जी भी अपना हौसला छोड़ देंगे जो हौसला लगाए थे और जिस हिसाब से आए थे। बहुत बढ़िया, तो देखना है कि शंकर के हौसले को पस्त करते हैं या खुद पस्त हो जाते हैं। नहीं नहीं, 100% चावल विन कर जाएंगे क्योंकि अभी 2:28 हुआ है और 30 सेकंड का इनके पास समय पर्याप्त बचा हुआ है, 30-32 सेकंड का। बहुत बढ़िया, और देखते हैं उस 30-32 सेकंड का कितना परिणाम निकालते हैं। बहुत बढ़िया, और आ गए हैं अब अंदाज में आए हैं। और आप दिखा देना चाहते हैं कि चैलेंज होता कैसे है और किस तरह से चैलेंज को जीता जाता है। बहुत गजब, और जिस हिसाब से राजू अपनी स्पीड लगाए हैं, स्पीड तो बहुत अच्छी लगा है, लेकिन जो टारगेट है उस टारगेट को छू पाना अब शायद थोड़ा सा नहीं छू भी सकते हैं क्योंकि अभी समय काफी है। और उस समय का फायदा उठा सकते हैं राजू जी, देखते हैं उस समय का फायदा उठा पाते हैं या फिर लोबिया की सब्जी और चावल में ही डूब जाते हैं। बहुत गजब, मात्र इस समय 10 सेकंड बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, और दो बाइट भी बची हुई है। 10 सेकंड को एकदम काबू में कर लेंगे तो समझ चलिए जीत जाएंगे, नहीं तो अब राजू के पास बात नहीं है। राजू समझ गए भैया कि समय खत्म हो गया होगा पानी पीने में, तो राजू जी आए हौसला दिखाए, राजू जी का धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं सर धर्मेंद्र जी इस चैलेंज को कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं, क्या शंकर जी को पीछे कर पाते हैं या नहीं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं राजू आए शंकर के टारगेट को छू नहीं पाए, अब धर्मेंद्र जी आए हैं तो देखना है कि धर्मेंद्र जी क्या कमाल करते हैं। टाइमर को चालू कर दीजिए धर्मेंद्र जी के लिए, और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है तो धर्मेंद्र भी चालू हो चुके हैं। और अभी शंकर थोड़ा सा विराम ले रहे हैं, उनके जगह को पूरी तरह से भरने के लिए मोहम्मद यसीन बैठ चुके हैं और देख रहे हैं कि और यसीन जी सोच रहे हैं यार, देखते हैं टारगेट को तोड़ देते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं। हाँ, क्या हम जीत पाएंगे या नहीं। और सोच रहे हैं 1,000 रुपए हम ही ले ले, देखते हैं उस दौर में क्या आता है और धर्मेंद्र जी देखते हैं तोड़ पाते हैं या नहीं। बहुत गजब, बहुत धर्मेंद्र बहुत तेजी से दौड़ना चालू कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि विन कर जाएंगे। और यही से हौसले के साथ अगर चलते रहेंगे तो 100% विन कर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। और जो साहस लगाए उस साहस को देखते हैं कितना आगे ले जाते हैं। और अभी सिर्फ 36 सेकंड का समय हुआ है और आधे से ज्यादा चावल लपेट दिए हैं। बहुत गजब, और ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रेवी की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई दिक्कत नहीं, ग्रेवी की आवश्यकता पड़ेगी तो ग्रेवी और आ जाएगी। मंगा दे क्या, थोड़ी सी ला दीजिए ग्रेवी। बहुत गजब, ला दीजिए। बहुत बुरुआ खा रहे हैं एकदम, कहते नहीं जैसे। बहुत गजब, और देखते ही देखते धर्मेंद्र पूरी तरह से अपना नॉन स्टॉप बाइट मारना चालू कर दिया है और सोच रहे हैं कि आज हमें 1,000 रुपए लेकर जाना है तो जाना है, किसी भी बेस पे, चाहे शंकर हो चाहे राजू हो चाहे जो हो, हमें जीतना है तो जीतना है। और राजू जी आए थे 2 बाइट से पीछे रह गए थे और 2 बाइट का देखते हैं उस बदला ले पाते हैं धर्मेंद्र जी या फिर 2 बाइट से रह जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे धर्मेंद्र, चलते रहो आगे बढ़ते रहो, बहुत बढ़िया, इस चैलेंज को जीतते रहो। बहुत गजब, और जब धर्मेंद्र आए हैं तो समझ के लिए जीत कर ही गए हैं। खत्म होना ही होना चाहिए, उससे पहले सब्जी आ जानी चाहिए, नहीं तो धर्मेंद्र जी टूट जाएंगे और इनाम की राशि से छूट जाएंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और खींचते रहिए धर्मेंद्र जी, आ रही ग्रेवी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और इसी हौसले के साथ अगर धर्मेंद्र चलते रहेंगे तो 100% पिन कर जाएंगे। बहुत गजब, और स्पीड तो बहुत अच्छी लगा है, जो स्पीड लगाए हैं बहुत ही गजब लगा है, 2 मिनट होने वाला है और लगभग लगभग काफी हद तक का चावल पूरी तरह से भाग गया है, और यहाँ पे और बहुत गजब, और ग्रेवी मिल गई, ग्रेवी मिल गई है, तो देखते हैं और डाल दीजिए, डाल दीजिए, बस बहुत गजब। आप देखिए धर्मेंद्र की मशीन तेजी पकड़ ली है, और जिस हिसाब से तेजी पकड़ी है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र शंकर को बहुत पीछे कर देंगे। अभी 1 मिनट पूरा समय है इनके पास, और देखते हैं उस 1 मिनट का कितना परिणाम निकालते हैं, क्या उस 1 मिनट को रगड़ पाते हैं या नहीं। बहुत बढ़िया, और इसी तरह से अगर चलते रहेंगे तो 100% धर्मेंद्र रुकना नहीं है, बहुत गजब, और देखते ही देखते पूरी तरह से धर्मेंद्र इस चैलेंज को एकदम जीत की ओर लेकर भाग रहे हैं। और धर्मेंद्र जी जब भी आते हैं बिल्कुल नए साहस के साथ आते हैं, नए अंदाज में आते हैं, और जब भी आते हैं 100% अपना लगाते हैं, उस 100% को देखते हैं 100% विनिंग जोन में बदल पाते हैं या नहीं। बहुत बढ़िया, और समय इनके पास अभी भी 30 सेकंड का है, और 30 सेकंड के समय को देखते हैं कितना कायम कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इसी सूझबूझ के साथ और इसी साहस के साथ चलते रहेंगे तो 100% विन कर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 30 मिनट का जो समय था उसमें से काफी हद तक का निकल गया, मात्र 14 सेकंड का समय है, उस 14 सेकंड को पूरी तरह से कवर करने के लिए धर्मेंद्र पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिए हैं, लास्ट बाइट भी मार लिए हैं, और ये रहा लास्ट बाइट। तो धर्मेंद्र जी आए, हौसला दिखाया, धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं, हो गया खाली है, 2-3 सेकंड पहले कम्प्लीट कर लिए इस चैलेंज को, तो धर्मेंद्र जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। लोभिया चावल ईटिंग चैलेंज में धर्मेंद्र जी आए, हौसला दिखाया, धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं, और धर्मेंद्र जी अगर ना जीत पाते तो यसीन जी कह रहे थे शंकर जी को पीछे करने के लिए हम उतरेंगे, लेकिन धर्मेंद्र जी शंकर जी को पहले ही दौड़ा दिए, तो धर्मेंद्र जी आए, हौसला दिखाए, धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं, और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं धर्मेंद्र इस चैलेंज में जीत गए, और इनाम की राशि भी इनके हाथ में पहुंच चुकी है, लेकिन इनके जीत को देखकर शंकर पूरी तरह से यहां से फुर हो गए, भैया हमारा तो जो है कहानी गवा फिर आ गए, ये देखिए कह रहे भैया हम जा रहे हैं, घबरा नहीं रहे, हरा सकते हो लेकिन हरा नहीं पाए इस चैलेंज में, पूरी तरह से धर्मेंद्र जीत गए हैं। पैसा मिल गया भैया? मिल गया। कितना है? 1000। पूरा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी को देख करके शंकर जी फिर जोश में आ गए, कहते हैं अभी भी हरा देंगे तो फिर दोबारा मौका मिलेगा, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, और इसी तरह से आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।